पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूरी बात बताइए, आज यहाँ क्यों है, हुआ क्या आपके साथ? मेरे साथ ये कहते हैं काफी टाइम से, 2 महीने से बहुत बदतमीजी कर रही है। आती है क्लास में और अपने मुस्लिम के बारे में बताती रहती हैं। एक दिन आती है मेरे से बोलती है, कहते हैं राज तुम जानते हो वो कौन हो? मैंने कि मैम नहीं जानते आप कौन हो। तो बोलती है, कहते हैं मैं क्षत्रिय ठाकुर हूँ, मैं हिंदू हूँ मैं। तो मैंने मैम अच्छा, तो फिर मैंने कहा मैम हम भी ठाकुर हैं। तो कह रही मैं क्षत्रिय ठाकुर हूँ, मैंने मुस्लिम से शादी करी है, मुस्लिम बन गई हूँ। 1 साल तक मैंने अपने मतलब जो भी मुस्लिम के जो भी होते हैं उसने बोला मैंने यहाँ पढ़ा है, इसकी ट्रेनिंग मैंने वहाँ ली है, मैंने मदरसे में ट्रेनिंग ली है, वहाँ पर ही करा है, हमारे इसमें ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, दुनिया भर की इसने बातें बताई थी। तो ये मतलब ब्रेन वॉश करना चाह रही थी मेरा। अगर मुझे अपने भगवान के बारे में ना पता हो तो मैं भी मतलब इनकी बातों में आया था, जो ये कहती हैं वो बात मुझे सच्ची लगती थी। एक बार मुझे सच्ची लगती थी, फिर घर पर आते थे पूछते थे मतलब ये चीज़ मतलब ऐसे है वैसे जो भी भगवान के बारे में। तो मतलब काफ़ी वक्त भी जी टीका लगा के मत आया करो, तुम्हारी स्किन कितनी गंदी हो रही है, टीका मत लगाया करो राज। तो मैंने कि मैम टीका क्यों लगाया, कि टीका मत लगाया करो, तुम मेरी चलेगी, हाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, जो तुम इतना फालतू बोल रहे हो, मेरे से ज़्यादा जवान लड़ाया करो, अगर तुम ज़्यादा जवान लड़ाओगे तो मैं तुम्हें कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दूंगी, तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना कहीं जॉब कर पाओगे, ना कहीं काम कर पाओगे। उसने 75,000 रुपये भी लिए और मेकअप भी ढंग का नहीं सिखा रही है, और हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, टीका लगाने के लिए मना करती है कि टीका मत लगाओ। आपने ब्रेन वॉश वाली बात कही, ये आपको कैसे महसूस हुआ ब्रेन वॉश के बारे में? ब्रेन वॉश का ये मतलब जो भी इसने अपने बारे में समझाया, ये कहते हैं हमारे मुस्लिम में ऐसा होता है, आप लोग उनकी पूजा करते हैं, हम लोग इसलिए बोला था, ये कहते हैं हमारे उसमें मतलब जो भी पूजा करते हैं, जो भी हम अल्लाह को पूछते हैं, जो भी किसी को पूछते हैं, उसमें जो तुम्हारे विष्णु भगवान जिनकी जाप करते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे नहीं पता था, इसने मतलब काफ़ी कुछ भी अपने उसके कुरान के बारे में मतलब काफ़ी चीज़ समझाई थी, बहुत मतलब समझाने की कोशिश करी पर मैं नहीं समझा। तो इसने मतलब सोच लिया, कहते हैं ये नहीं समझ पाएगा, तो इसने उन लड़कियों से मुझे अलग कर दिया, अब लड़कियों को फंसा रही है और लड़कियों से मुझे बिल्कुल अलग कर रखा है, क्योंकि किसी लड़की से अगर मैं बोलूँगा तो उन्हें मैं गलत राह पर जाएंगी, तो मैं समझाऊंगा। तो चक्कर में मेरा ग्रुप इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है, और जो भी हिंदू लड़के हैं मुस्लिम लड़के हैं वो एक टाइम पर आती हैं, मेरा सबसे लास्ट में है टाइमिंग। कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका? ये लैक्मी सलून है, लैक्मी अकेडमी। ये जो आपको बता रहे हैं उनका नाम बताइए। रक्षंदा खान। क्या चाहते हैं आपने, कोई कंप्लेंट की है क्या किया आपने? कंप्लेंट आप थाने में तहरीर दी है। किसके नाम से? रक्षंदा खान के। क्या लिखा तहरीर में आपने? यह से करते करते मतलब काफ़ी बदतमीजी करते करते काफ़ी टाइम हो गया, एकेडमी से बाहर निकाल देती है, धक्के मार के बाहर निकाल देती है कि टाइम नहीं आओ, मतलब चिढ़ती है अब ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सर आज शब्द हरतला चौकी के पास लेखनी का एक शोरूम है, जहाँ की एक रक्षंदा खान के ऊपर हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि वो लोगों लड़कों का और लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है मुस्लिम बनाने को लेकर, क्या पूरा मामला है? ये यहाँ पर एक मेकअप का कोर्स कराती हैं, एक महिला हैं जिनके लिए ये आरोप था उनके ऊपर कि उनके लोग सीखने ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो ट्रेनिंग लेने आते हैं उनसे उनके द्वारा किसी प्रकार से कुछ ऐसा कहा गया जिस पर उनको आपत्ति थी, उनसे एक लिखित में कंप्लेंट ली गई है, अभी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।